दोस्तों जब आप थके हुए होते हैं तब प्रभावी तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकते। इसमें नींद को प्राथमिकता देने के लिए खुद को यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादा काम करने का मतलब अच्छा काम करना नहीं होता। नींद की कमी से ज्ञान की कमी भी हो सकती है, चाहे आपको इसका असर नजर आए या ना आए। ऐसे में आप कैफीन का लेना आपके लिए लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। जी हाँ, अगर सुबह की शुरुआत करने के लिए या दोपहर गुजारने के लिए आपको कॉफी की जरूरत पड़ती है तो यह आपके लिए चेतावनी है। जी हाँ, पर्याप्त नींद लेने के तरीके खोजे जा सकते हैं। काम खत्म करके ऑफिस छोड़ने के समय का अलार्म लगा लें। रात को सोने के एक घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। वहीं कभी कभी समय से पहले भी सोने चले जाना चाहिए। अगले दिन की शुरुआत बेहद जरूरी कामों की एक सूची बनाकर की जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और याद रखिए कि अगले दिन आपको ज्यादा काम करना ही है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप अपनी नींद को तवज्जो नहीं देंगे तो आप प्रभावी रूप से काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दें कि ये शोध और ये बात हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से कही गई है। क्यूरियन हेल्थ एक्स की रिपोर्ट।